नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से CSE सेंटर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की योजना शुरू की गई है और इन केंद्रों के माध्यम से जो है गांव के किसान, श्रमिक, विद्यार्थी एवं बेरोजगार लोग सरकारी योजनाओं में आवेदन करने और सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने, पेंशन की जानकारी एवं विभिन्न प्रकार की अन्य सेवाओं से जो है संबंधित कार्य को पूरा कर सकते हैं। ऑनलाइन इसके ऑनलाइन सेवा जो है उनका प्रयोग गांव ग्रामवासी भी करें, इसके लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की योजना बनाई गई है और इन सर्विस सेंटर पर जो है लोगों की ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित जो है सहायता की जाती है और इसके बदले में जो है कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मचारी को जो है निर्धारित शुल्क न्यूनतम 25 रुपये, 30 रुपये या 50 रुपये तक जो है दी जाती है, प्राप्त होती है इसके बदले में। और दोस्तों, इस सेंटर से जहां जो है साधारण जनता को जो है सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त होता है, ऑनलाइन सरकारी सेवा का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलती है, वहीं पढ़े लिखे बेरोजगार लोग जो है इस सेंटर को स्थापित करके स्वरोजगार करने का अवसर भी प्राप्त करते हैं। और कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए csc.government.in वेबसाइट के माध्यम से रजिस्टर करके लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। और दोस्तों, कॉमन सर्विस सेंटर सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है और केंद्र सरकार देश भर में 1.6 लाख कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की योजना बना निर्धारित की गई है और इन केंद्रों को खोलने का मकसद जो है ग्रामीण निवासियों तक सरकारी योजनाओं, बैंकिंग, स्वास्थ्य, LIC, एजुकेशन आदि सेवाओं को पहुंचाना है और CSE कर्मचारी इन सभी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा फॉर्म भरने का काम करते हैं और इसके अतिरिक्त विभिन्न सेवाओं से संबंधित फॉर्म जो है वो ग्रामवासियों में बांटते हैं, उनके प्रति उन्हें उनमें जागरूकता फैलाते हैं, उन्हें उन्हें जानकारी प्रदान करते हैं CSE सेंटर के कर्मचारी। तो CSE सेंटर के अंतर्गत ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों, CSE सेंटर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो है आवेदक जो भी आवेदन करना चाहता है उससे जो है 12वीं कक्षा पास होना चाहिए कम से कम और कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है उसके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेट करने का और इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज भी उसे आनी चाहिए। और दोस्तों, कॉमन सर्विस सेंटर के रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने के पर आपको जो है शिक्षा का प्रमाण पत्र अपना लगाना होगा, जो भी आपकी अधिकतम प्राप्त शिक्षा हो उसकी आपको जो है प्रमाण पत्र उसका लगाना होगा, अपलोड करना होगा फॉर्म में और आपके जहां आप रहते हैं और जहां पर जो आपने दुकान खोल रखा है खोलने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन, तो उस दुकान का के एड्रेस का प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा फॉर्म में और आपको अपने जहां पर आप रहते हैं आपको अपने निवास स्थान का भी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और दुकान का दोनों का एड्रेस प्रूफ जो है आपको फॉर्म में अपलोड करना होगा और इसके अतिरिक्त आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी अपलोड करनी होगी और पैन कार्ड की भी फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी। और दोस्तों, कॉमन सर्विस सेंटर से जो है आप कोई भी व्यक्ति जो ग्रामीण इलाके में अपने कॉमन सर्विस सेंटर खोलता है तो उसे महीने में कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये वो जो है कमा सकता है, प्राप्त कर सकता है इस सर्विस सेंटर खोलने खोलकर। और इस CSE सेंटर को खोलने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस के लिए कोई फीस नहीं देना होता है, लाइसेंस मुफ्त प्रदान किया जाता है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है
और इस केंद्र का लाइसेंस होने पर जो है आप सीएससी सेंटर के अंदर जो है आप कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है दस्तावेजों की जो डॉक्यूमेंट्स लोगों की होती है उनकी उसकी फोटो कॉपी भी कर सकते हैं, स्कैनिंग का भी काम कर सकते हैं, फोटो स्कैन करना इसका भी काम कर सकते हैं। और इस सेंटर में जो है बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, ट्रेन और एरोप्लेन एवं बस की ऑनलाइन टिकट का भी रिजर्वेशन कर किया जा सकता है। और सरकार द्वारा सीएससी केंद्रों को जो है 300 से अधिक सेवाओं को प्रदान करने का लाइसेंस दिए जाना का प्रावधान किया गया है। तो आप इसके अंतर्गत जो है जितनी भी सेवाएं देना चाहें, जो भी सरकार द्वारा लिस्टेड है, उसको आप जो है सीएससी सेंटर के अंदर वो सेवा प्रदान कर सकते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी हो। तो दोस्तों सीएससी सेंटर खोलने के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन की जाती है। तो इसके लिए आपको, यदि आप सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, तो आपको गूगल वेब ब्राउजर पर जाना होगा। और गूगल वेब ब्राउजर पे सीएससी रजिस्ट्रेशन लिखकर आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये विकल्प खुल कर आ जाएंगे। इनमें आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन, तो register.cse.government.in इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद सीएससी का जो है वेब पोर्टल खुल कर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का करने का। तो इसके अंतर्गत आपको अप्लाई विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो अप्लाई पे ये कर्सर रखकर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन विकल्प पर आप जो क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर पहले लिखना होगा, यहाँ पर उसका सत्यापन करना होगा मोबाइल नंबर का कि आपका ही मोबाइल नंबर है। तो यह मोबाइल नंबर जिस जो भी आवेदक रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो अपने नाम से जो उसका सिम हो वो नंबर यहाँ पर लिखना होगा, उसके नाम से सिम होना चाहिए तभी ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है करने के लिए मोबाइल नंबर जो आपका प्रमाणित हो पाएगा। और किसी और के नाम से सिम होगा तो आपका यहाँ पर वो प्रमाणित नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना होगा और यहाँ कैप्चा कोड लिखकर जब आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद फिर नीचे आपका जो है ईमेल आईडी लिखने का विकल्प आएगा। और ईमेल आईडी लिखेंगे तो फिर आपको जो है आपके मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा। और ओटीपी लिखने के बाद जो है फिर कैप्चा कोड लिखना होगा, फिर सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो इसी प्रकार से आप मोबाइल नंबर लिखेंगे तो फिर आपको ओटीपी लिख करके मोबाइल नंबर को जो है प्रमाणित करना होगा, यहाँ पे सबमिट करेंगे तो उसके बाद फिर ईमेल आईडी लिखेंगे, ईमेल आईडी के बाद फिर ओटीपी आपके ईमेल आईडी मैसेज ईमेल आईडी पर आएगा। तो वो ओटीपी यहाँ लिखने के बाद कैप्चा कोड लिख के सबमिट करेंगे, इसके बाद जो दोस्तों आपका ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए ये फॉर्म आपको भरना होगा ये लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ वीआईडी आपको लिखना होगा यानी वर्चुअल आईडी, तो आधार कार्ड का जो वर्चुअल आईडी आपको यहाँ पर नंबर लिखना होगा। तो यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से डोंट हैव वीआईडी इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो ये लिख कर आ जाएगा। तो इस लिंक पर क्लिक करके आप वर्चुअल आईडी नंबर जो है आपको अपना बना सकते हैं, ऑनलाइन आपको बनाना होगा और उसके बाद वर्चुअल आईडी नंबर आपको यहाँ लिखना होगा और फिर यहाँ पर नाम लिखना होगा और अपना जो भी जिस नाम से जो भी सीएससी सेंटर का ओनर है जो सीएससी सेंटर खोलना चाहता है उसको यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा और यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना होगा मेल फीमेल अदर्स में से। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा और डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना होगा और डेट ऑफ बर्थ दोस्तों वही लिखना होगा जो आपने आधार कार्ड में लिखा होगा। तो यदि दूसरा लिखेंगे तो आपका जो है ये फॉर्म निरस्त हो जाएगा क्योंकि आधार कार्ड से भी जो आपको ये आपकी आइडेंटिटी वैलिडेट की जाएगी। तो यहाँ स्टेट लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा और लोकेशन आप जो सेंटर सीएससी सेंटर खोल रहे हैं वो रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है तो उसमें आपको वो सिलेक्ट करना होगा। शहर में है तो आपको अर्बन पर क्लिक करना होगा और गाँव में है तो रूरल पर। फिर आपके जो है ओटीपी से आप जो है अपना प्रमाणित करना चाहते हैं अपनी आइडेंटिटी या फिर एफएमआर या आईआईआर, तो आपको ओटीपी से आप कर देंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ लिखना होगा और यहाँ कैप्चर कोड लिखना होगा और उसके बाद इस विकल्प को सिलेक्ट करना होगा कि आधार कार्ड से आपको अपना आइडेंटिटी प्रमाणित करने में जो है कोई
वो नहीं है तो आप जो है परहेज नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो सबमिट विकल्प पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका दूसरा पेज खुलकर आएगा। उसमें आपको जो है अपने दुकान जो भी दस्तावेज हैं सीएससी सेंटर खोलने के लिए वो सारे दस्तावेज आईडी प्रूफ दुकान की और अपने निवास प्रमाण पत्र निवास की आईडी प्रूफ और अपने दुकान का एड्रेस प्रूफ और अपने शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र का उसका उसकी फोटो कॉपी और सारे दस्तावेज के साथ ही आपको जो है अपने दुकान के अंदर और बाहर के दोनों जियो टैग फोटो अपलोड करने होंगे। और अपलोड करने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और इसके बाद दूसरे पेज पर आपको जो है आपके आवेदन की एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त होगा और आवेदन का एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है उसे आपको सेव करके रखना होगा। उसी एक्नॉलेजमेंट नंबर के द्वारा आवेदन पत्र के एक्नॉलेजमेंट नंबर के द्वारा जो है आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जान सकेंगे, पता कर सकेंगे कि आपका आवेदन जो है वो स्वीकार किया गया है या जो है उसमें आपको लाइसेंस कितने दिनों में प्राप्त हो जाएगी। तो वो जो है आप यहाँ पर स्टेटस चेक विकल्प पर क्लिक करके उसकी जानकारी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर जो है आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आवेदन फॉर्म भरने के बाद मिलेगा वो यहाँ पर लिखना होगा। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और कैप्चा कोड लिख कर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने आवेदन की स्थिति आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकेंगे कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, कितने दिनों में आपको लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ताकि योजना की जानकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और दोस्तों हमारे जियो टैग फोटो कैसे करेंगे फॉर्म में अपलोड करने के लिए सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए, इसके लिए हमारे जो वीडियो ck.com चैनल पर है यूट्यूब चैनल पर तो उसे आप देख सकते हैं और उसके अनुसार जो अपने दुकान के अंदर बाहर की फोटो को जियो टैग करके फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं आसानी से।